Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome back to your science class. We are studying our chapter number tenth, that is measurement of distances and motion. And our today's topic is points to be kept in mind while measuring length. It is given on page number one forty-seven. Okay, so in previous class we have discussed like how can we measure length, like and and there are three types of measuring uh, instruments like uh, measuring tape ruler and tape measure and through these these are the three different ways through which we can measure things we can use inch tape ruler or any tape measure now we will study we know that basically स्केल और रूलर इज यूज टू मेजर थिंग्स एंड नाउ इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी दैट वट आर द पॉइंट दैट वी शुड कीप इन द माइंड वायर मेजरिंग लेंथ ओके सो द फर्स्ट पॉइंट इज द प्लेसमेंट ऑफ द रूलर ओके सो इन दिस क्वेश्चन ये जो कॉर्नर्स होते हैं स्केल के दैट शुड बी प्लेन अगर ये ब्रोकन होंगे तो हमारी मेजरमेंट गलत आ सकती है सो so फर्स्ट जो स्केल की कंडीशंस होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए कोई ब्रेकेज किसी भी साइड से नहीं होना चाहिए फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेसमेंट हम कभी भी स्केल को टेढ़ा नहीं रखते हम हमेशा स्केल को सीधा रखते हैं नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट इज वेनवर वी आर ऑब्जर्विंग और मार्किंग एनीथिंग हमें हमेशा उसे 90 डिग्री से देखना चाहिए हमें कभी उसको आगे या पीछे से ना देख के हमेशा 90 डिग्री के एंगल से दैट मीन्स बिल्कुल ठीक उसके ऊपर से मेज़र करना चाहिए फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ओके एंड हमारा स्केल पूरा होना चाहिए अगर बाय चांस अगर हमारा स्केल टूट भी जाता है सो इन दैट केस जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमें उस स्टार्टिंग पॉइंट को जीरो मारना है देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन अगर स्केल किसी भी रीजन से टूट जाता है इस केस में हमें स्टार्टिंग पॉइंट को जीरो मारना है एंड ऑल्सो जो मेजरिंग होती है वो स्केल में जो रीडिंग स्टार्ट होती है वो यहां से स्टार्ट होगी कॉर्नर एंड से स्टार्ट ना हो के जो रीडिंग है जहां से रीडिंग स्टार्ट हो रही है वहां से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं सो दिस वॉज अबाउट सम पॉइंट सबसे पहला ये कि हमें स्केल की कंडीशंस अच्छे से देखनी चाहिए कि वो कहीं से टूटी तो नहीं है दूसरी स्केल को हमेशा सीधे रखा जाता है थर्ड इज कि जो हम मेजर करते हैं वो हमेशा 90 डिग्री से ऑब्जर्व करके मेजर करना चाहिए ना कि साइड से एंड ऑल्सो अगर स्केल टूट जाए तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट को हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं ओके okay. सो नेक्स्ट टॉपिक इज importance ऑफ estimation सो बिफोर दैट यू शुड नो estimation सो so, estimation इज जो हम लगभग अंदाजा लगा देते हैं ना कि हमने एक पीस ऑफ क्लोथ लिया हमें एक मीटर का कपड़ा चाहिए तो हम अगर हमारे पास कोई मेजरिंग टेप ना हो इंच ना हो तो हम अंदाजे से बोलते हैं कि इतना एक मीटर होना चाहिए तो वो जो अंदाजा हम लगा रहे हैं दैट इज estimation सो so, estimation एक रफ calculation होती है होती है वो एक्यूरेट नहीं होती एक्यूरेट कैलकुलेशन हमें मेजर करने के बाद ही पता चलती है सो एस्टिमेशन इज जो लगभग हम अंदाजा लगा देते हैं एक रफ कैलकुलेशन एक रफ आइडिया देते हैं दैट इज नोन एज एस्टिमेशन आफ्टर दैट वी हैव रेस्ट एंड मोशन ओके सो वट इज़ वी ऑल नो मोशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कोई भी चीज़ जब अपनी पोजिशन चेंज करती है टाइम के साथ उसे हम क्या बोलते हैं मोशन बोलते हैं बट वट इज रेस्ट जैसे आप लोग जब टायर्ड हो जाते हो तो आप रेस्ट करते हो एक जगह पे आप एक ही जगह पे रहते हैं कहीं इधर उधर नहीं जाते सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि एक ही पोजिशन पे रहते हैं हम उन पोजिशन को क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हैं जैसे आपकी बुक आपकी बुक अभी यहीं पे पड़ी हुई है टेबल पे पड़ी हुई है सो so, आपकी बुक इस वक्त रेस्ट पे है सिमिलरली जो आपके क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है ब्लैक बोर्ड भी अपनी फिक्स पोजीशन पे होता है कहीं मूव नहीं करता तो वो भी रेस्ट पे है प्लस जो टेबल होती है वो भी एक ही जगह पे रहता है दैट इज ऑल्सो एट रेस्ट वो भी प्लेस टू प्लेस इधर उधर नहीं जाती जो बुक्स हैं तो ऑल दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स की ऐसी चीजें जो अपनी ही जगह पे रहती है और इधर उधर नहीं मूव करती उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट व्हेन इट नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब वो अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करता और एक ही जगह पे रहता है जैसे कि ब्लैक बोर्ड टेबल बुक्स ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एक मूविंग बॉल की लेट से कि आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आप बॉल को मूव कर, कर रहे हो आप उसको किक कर रहे हो दैट मीन्स बॉल मूव कर रही है एक कार जो रोड पे चल रही है अगर आप साइकिल चला रहे हो या फिर आप दौड़ रहे हो तो उस इन सारी एक्टिविटीज़ में आप एक जगह से दूसरी जगह अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो इस स्टेट को हम बोलेंगे मोशन कि आप मोशन में हो या फिर बॉल मोशन में है या फिर कार मोशन में है या फिर चाइल्ड जो रन कर रहा है वो मोशन में है सो so, दो चीज है एक होती है रेस्ट और एक होता है मोशन रेस्ट जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तब हम उसे कहते हैं कि वो रेस्ट पे है बट जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो मोशन शो कर रहा है सो दिस इज रेस्ट एंड मोशन अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट To its surroundings. Okay. So here there is an activity, activity 4, and this is also a homework for you. You have to do like there are two tables: objects at rest and objects in motion. Apko SE. एक्टिविटीज लिखनी है जिसमें आपको ये बताना है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हैं और जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मोशन में है जैसे हाउस हाउस आपका एक फिक्स है हाउस तो इधर से उधर मूव नहीं करता सो हाउस रेस्ट पे है टेलीविजन जो आपके घर में टीवी रखा हुआ है वो भी एक फिक्स पोजिशन पे है वो भी रेस्ट पे है तो ऐसे ही आपको और तीन एग्जाम्पल्स लिखने हैं इस कॉलम में एंड सिमिलरली ऐसे ही आपको इस कॉलम में ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो मूव कर रहे हैं और अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं जिसके दो एग्जांपल आपको ऑलरेडी गिवन है जैसे बोर्ड इन द स्काई जो बोर्ड स्काई में फ्लाई करती है वो वो मोशन कर रही है वो अपनी पोजिशन चेंज करती है एंड प्लस क्लॉक की हैंड जो सुई होती है क्लॉक की वो भी मोशन शो करती है तो ऐसे ही आपको रेस्ट और मोशन दोनों के ही एग्जांपल्स लिखने हैं So, this is it for today. Thank you.